Hey guys, अगर आप अपने डेटा में टिक मार्क्स और क्रॉस मार्क्स लगाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल डायनेमिक तरीके से, सबसे पहले आपको अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उसे कंट्रोल टी के साथ टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। ओके भी क्लिक करेंगे एंड आपको अपने सेल को सेलेक्ट करना है। होम में जाएंगे और यहाँ से आपको सर्च करना है बिल्डिंग्स। यहाँ पर हमें बिल्डिंग्स 2 को सेलेक्ट करना है। टिक मार्क्स के लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट के साथ पी, और अगर हमें क्रॉस मार्क्स करना है तो इसके लिए शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करेंगे। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो पहले इसे सेलेक्ट करें एंड देन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे और यहाँ से हमें टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। इसी तरह हमने क्रॉस के लिए ओ लगाया था, ओ टाइप करेंगे एंड यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे।